क्या हुआ, इतना गुस्सा कह रही हो? गांव में वहाँ फ्री में अनाज मिल रहा है। अरे तब फ्री में अनाज मिल रहा है तो वो अनाज हम लोग को भी मिलेगा, बताओ। नहीं मिलेगा। तो हम लोग कैसे ले सकते हैं बताओ, हम लोग इतने दिनों से बाहर से आए हैं तो हम लोग को वो अनाज मिलेगा? 6-7 महीना हो गया बैठे हुए हम लोग। ओहो, तो क्या चाहती हो कि फ्री वाला अनाज हम लोग भी लें? सब लोग का मिल रहा है तो हम लोग को नहीं मिलेगा? तो हम लोग को मिलेगा, तब हम जानेंगे कि हम लोग को मिला है कि नहीं मिला है, कि जाके वहाँ पूछिएगा। ये तो किससे पूछना पड़ेगा? अरे गांव में कोई संपर्क में नहीं है आपके? अरे संपर्क में तो बहुत दोस्त यार है पर अरे क्या भाई, भौजी के साथ लड़ाई झगड़ा कर ले क्या बात? अरे लड़ाई झगड़ा ना कर रहे हैं, जान रहे हैं, कह रही है कि गांव में सबको 5-5 किलो फ्री अनाज मिल रहा है। 5 किलो नहीं, एक आदमी पर 5 किलो। तो ठीक है ना, कह रही है आप यहाँ बैठे रहते हैं, गाना गाते रहते हैं, आपको क्या मालूम चलेगा? ठीक कह रही है, एकदम ठीक कह रही है। बताइए कितना दिन से बैठे हैं घर पे काम छोड़ के? मतलब बाहर से आए हैं तो खूब आराम कर रहे हैं ना। खाने के लिए कुछ घर में है नहीं? कुछ है नहीं, बताइए। ये सब गलत बात है भैया, आप निकलते देखते कहीं गाँव में क्या है नहीं। घर से निकल के बाहर बैठल है टेंशन से, आगत से बोल रहे हैं, से बोल रहे हैं, हमरो कुछ बोले दोगे? बोलो देखो कि नहीं। अरे बोलिए भैया, आप तो टेंशन में जाते लगते हैं। तो परेशान ना होंगे एगो एने से। हम चुपचाप बोलिए, हम ऐसे ऐसा कर रहे हैं। बोलिए बोलिए, बैठो। हाँ बोलिए। बोल रहे थे कि ये नजवा जो मिल रहा है तो हम लोग को मिलेगा? ये भैया काहे नहीं मिलेगा, आप भौजी एकदम ठीक है कह रही है, गाँव में जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनको 5-5 किलो अनाज मिल रहा है। अच्छा अच्छा, है ना। अब इसके लिए भैया एक कार्ड बनवाए पड़ना। कार्ड? ये तो कार्डवा कैसे बनेगा हो? अब देखिए भैया, इतना तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जानते हैं हमारे परिचित में एगो व्यक्ति है, उनका नाम है डॉक्टर अशोक कुमार। हाँ। ठीक है, वो एलएन मिश्रा के सहायक प्राध्यापक है। हाँ, तो उनसे ना भैया सारा जानकारी हम लोग को मिल जाएगा। अच्छा, डॉक्टर अशोक कुमार सब बात बता देंगे, कार्ड भी बनवा देंगे। हाँ, अरे भाई यही सब तो दोस्ती यारी का फायदा है ना। ऐसा करो कि हम सर के पास जा रहे हैं। हाँ। और आप लोग ना देरी मत करिएगा, एकदम तुरंत पहुँचिए। हाँ। सर ज्यादा देर खड़ा कराएंगे तो अच्छा नहीं ना, 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 ना। आप आइए, हम जल्दी आते हैं। हाँ, जाओ ना। हाँ भाभी आप भी आइएगा। चलिए ठीक है, जाओ। ए भाई जल्दी जल्दी तैयार हो, गेट लगा के आ। हाँ लेके आओ जल्दी। अरे जल्दी आ भाई, लेट हो जाएगा। चलिए। हाँ चलो। सर वो गांव में वो रामू भैया है जी, तो वो बाहर से आए हैं, वो शादी में आए हुए थे जी, जी। तो अभी देखिए ना, तो यहीं पर काम धाम में उलझ गए हैं जी। उनको अभी जाने में बन नहीं रहा है, तो एक दिन हमसे पूछे ना कि ये अन्न अनाज उनाज जो बटा रहा है जी, तो हम लोग को कैसे मिलेगा? तो हम बोले कि भाई आपके बारे में हम बताएं कि सर को हम मिलवा देंगे सर से, और उन्हीं से आप लोग पूछ लीजिएगा। और देखिए ना इतना देरी हो गया, वो लोग अभी तक आए नहीं किए हैं, बताइए था। आइएगा आइएगा आइएगा। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम सर। अरे इन्हीं सर के बारे में हम बता रहे हैं। हाँ सर, आप ही अशोक सर हैं जी? जी हाँ सर। सर हमको बहुत इच्छा हो रही थी आपसे मिलने के लिए, अपने भाई से बोले कि हमको भी जरा मिला दीजिए। अब क्या है सर कि हम लोग शादी ब्याह में आए जी, बाहर कमाते हैं सर, खाते जी, हैं, वहीं रहना हो रहा था, लेकिन अब शादी ब्याह में आए तो यहाँ से अब जाने का मन नहीं कर रहा है। और गांव में हल्ला सुने सर कि हर घर में देख रहे हैं कि सब फ्री में अनाज ले जा रहा है, लावे जा रहा है, 5-5 किलो अनाज लावे जा रहा है। तो हम लोगों के भी मन में जागा कि हम लोग को भी ये 5 किलो अनाज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आ सर, ये 5 किलो अनाज वाला योजना कौन सा योजना है सर? देखिए ये भारत सरकार का योजना है जी, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम से ये योजना है। अच्छा अच्छा। इस योजना में 5 किलो चावल या गेहूं और साथ ही साथ दाल, 1 किलो दाल, ये सारे कार्ड पर ये मिलता है। कौन से कार्ड पर सर? कार्ड इसका, जैसे मान लीजिए कि परिवार में 5 मेंबर हैं जी, जी, तो वो एक परिवार हुआ। अच्छा। एक परिवार हुआ तो पर मेंबर के हिसाब से 5 किलो चावल या गेहूँ, पर मेंबर के हिसाब से 25 किलो हो गया जी, जी, तो 25 किलो उस परिवार को चावल या गेहूँ मिलेगा और साथ ही साथ 1 किलो दाल भी मिलेगा। कार्ड कहाँ बनवाएंगे? कार्ड
तो आपके पास जैसे मान लीजिए कि राशन कार्ड है पहले से, तो उस राशन कार्ड लेकर और वहाँ चले जाना है राशन की दुकान पर, और वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा इस योजना के लिए। इस योजना के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होगा, एक स्लिप मिलेगा, उसके बाद आप उस इस योजना का लाभ ले सकते। अगर राशन कार्ड नहीं है तो भी कोई परेशानी नहीं है, हम लोग के पास तो नहीं है राशन। आप आधार कार्ड अपना लेकर जाइए। अच्छा। और वहाँ आपका जितने भी मेंबर हैं सबका आधार कार्ड लेकर जाइए, और वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और उसके बाद आप इस योजना का लाभ मतलब लीजिए। परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबका आधार कार्ड। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक आधार कार्ड में नहीं होगा कि इनके साथ नहीं, 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 ये दिखाना होगा ना कि हमारे परिवार में इतने लोग हैं। अच्छा। तो वही ना एक प्रूफ है, वो तो प्रूफ आधार कार्ड ही है। योजना तो बड़ा अच्छा योजना है सरकार का जी। सर, इस योजना को लागू करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा है सरकार? हाँ, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, देश में जब ये COVID-19 महामारी आया, सिर्फ हमारे देश में ही ये महामारी नहीं आया है, ये पूरे विश्व लेवल पर महामारी आया। और इसमें खासकर ऐसे तो हर एक लेवल के जो लोग हैं, मतलब हाई इनकम ग्रुप के लोग हैं, मिडिल इनकम ग्रुप के हैं, लोअर इनकम ग्रुप के, सब लोग इस महामारी से प्रभावित हो। सर, तो ये किसी को भी मिल सकता है राशन? जी, बता रहे हैं जी। तो सब लोग प्रभावित हुए, और बेसिकली हम लोग काम जो करते हैं, कोई भी किसी भी तरह के काम करते हैं, तो तीन तरह के सेक्टर में हमारा काम डिवाइड है। अच्छा। पहला जो सेक्टर से उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। जी, जी। प्राइमरी सेक्टर, दूसरा जो सेक्टर है उसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, तीसरा हमारा टर्सरी सेक्टर है। तीन तरह के सेक्टर में हमारा काम डिवाइडेड है। अगर हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड या नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, फिशरीज है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्रीज है, इस तरह से रिलेटेड अगर कोई काम करते हैं तो वो हमारा प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो कोई फिजिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। सर्विसेस अगर दे रहे हैं हम, जैसे कोई होटल है, मोटल है, स्कूल है, कॉलेज है, इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज है, इस तरह का जो सर्विसेज, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, इस तरह का काम कर रहे हैं, तो हम सर्विसेज दे रहे हैं। तो यही तीन तरह के हम लोग जनरली काम करते हैं। और जब से ये महामारी आया COVID-19, तब से ये तीनों सेक्टर काफ़ी प्रभावित हो, काफ़ी प्रभावित हुआ, और इसमें जितने लोग इन्वॉल्व थे सब लोग अफेक्टेड हुए। सबसे ज्यादा अफेक्टेड वो लोग हुए जो लोअर लेवल के थे। हाँ भाई, तो सर रोज कमाते हैं। हाँ, बस बस, सबसे ज्यादा वो प्रभावित हुए। साथ ही साथ जो लोग रोड पर फेरी लगाने वाले हैं, ये चाय बेचने वाले हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, इस तरह के मजदूरी करने वाले हैं, शहर में जाकर काम करने वाले हैं, तो इस तरह के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। उनके सामने भुखमरी की स्थिति आ गई। तो अब छोटे लोग के पास कोई कमाने खाने के लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं रहा। हाँ, कोई साधन ही नहीं बचा। बिल्कुल। तो उस स्थिति में भारत सरकार ये प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना लेकर आई। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इसमें परिवार के सदस्य को 5 किलो चावल या गेहूं, साथ ही साथ 1 किलो दाल देने का ये प्रोविजन है। अच्छा योजना, ये इस योजना में दुकान कितना अच्छा योजना है सरकार का, बताइए। जो नीचे तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए सरकार ने अन्न योजना की शुरुआत की है, और 2020 मार्च से ना सर जी, 2020 मार्च से ही इसकी शुरुआत हो गई है। तो ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है, और हम समझते हैं कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा भी पहुँचेगा। भैया, आप कुछ पूछ रहे हैं? सर, पूछ रहे तो लागू हुआ सर, अभी मिल भी रहा है, लेकिन कितना दिन तक चलेगा सर ये योजना? हाँ, देखिए, ये 26 मार्च 2020 को ही स्टार्ट हुआ। जी जी। और उसी समय से सरकार शुरू में तो 3 ही मंथ के लिए स्टार्ट किया था। जी।
फिर उसको नवंबर तक बढ़ा किया, और अभी के डेट में ये 2022 तक ये योजना चलने वाला है। अच्छा। तो अभी हम लोग के पास अभी लंबा समय है, और ऐसा नहीं है सरकार जैसे पहले तो कम ही समय के लिए निकाला ये योजना, फिर धीरे धीरे बढ़ाते गया, और ऐसा नहीं है, हो सकता है कि सरकार आगे भी बढ़ा दे। बिल्कुल बिल्कुल सर, समस्या को देखते हुए लोगों के, खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी समस्या को देखते हुए हो सकता है कि सरकार आगे भी बढ़ा दे। ये सर गरीब कह रहे हैं, गरीब तो ये गरीब का कुछ पैमाना रखा गया है, मानक क्या है, हम लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, कौन लोग उस योजना में गरीब, किनको हम माने, कौन लोग शामिल हो सकते हैं, कौन लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन किया है। देखिए ऐसे तो पहले से ये डिफाइन है कि गरीबी किनके पास है, उनके लिए अलग अलग कार्ड निर्धारित की है सरकार ने, जैसे लाल कार्ड है तो, और ऐसे भी जो जिनके पास कोई जमीन नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, वो रोज कमाते हैं खाते हैं, तो ऐसे भी तो वो गरीबी रेखा में आ रहे हैं। जैसे रिक्शा चलाने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, रोड पर सब्जी बेचने वाले, ठेला चलाने वाले, ठेला पर कुछ तरह का सामान बेचने वाले, चाय के दुकान चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, खोइचा वाले, तो ये तो गरीबी रेखा के अंदर आते हैं, तो साफ जाहिर है कि ये गरीब लोग हैं, तो बेसिकली इन्हीं लोग के लिए ये योजना है। सर हम तो देखे हैं सर गांव में कि आधार कार्ड पर तो मिल जाता है जी, तो बहुत सारे लोग जो सक्षम भी हैं तो वो भी जाके अनाज ले लेते हैं सर, तो क्या ऐसे लोगों को सर कार्रवाई होती है क्या, ऐसे लोगों को या फिर सरकार क्या संज्ञान लेती है? आप अगर इस चीज को सरकार को खबर करेंगे तो जरूर कार्रवाई होगी, क्योंकि भारत सरकार का उद्देश्य है जो उनको जरूरत है, जिनको बेरोजगारी है, जिनको जिनको खाने की जी बिल्कुल, तो उन लोगों तक ये योजना का लाभ उनको पहुँचाएँ। अच्छा। वो लोग अपना मतलब खाने पीने की जो समस्या है उन उससे वो मतलब फ्री हो जाए। अच्छा सर, ये गांव में जैसे बहुत सारे सुदूर इलाके हैं जी जी, जो जैसे बहुत दूर में अंदर में गांव है, तो उन लोगों को पता भी नहीं है, तो क्या सरकार ऐसे लोगों को कैसे उनको बताएगी कि भाई ये योजना हम लाए हैं आपके लिए? देखिए आज के डेट में तो मीडिया इस चीज़ को मीडिया के माध्यम से हम लोग आसानी से इस किसी भी तरह का यही मतलब प्रचार प्रसार कैसे करें किसी तरह का, आप देख लीजिए लोगों का आजकल तो सब लोग, गरीब हो अमीर हो, मैक्सिमम लोग जो है सो कि सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से, जितने तरह के मीडिया है मैक्सिमम लोग जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर भी करते हैं, तो इसमें और सरकार भी इस चीज़ को प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से इस चीज़ को प्रचार कर रही है, बता रही है लोगों को। सरपंच मुखिया भी इसके बारे में बताते हैं? बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल बताएंगे, और आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर तो काफ़ी ये मैसेज है, या सरकार का बहुत कोई भी मीडिया से देख लीजिए आपको ये इन्फॉर्मेशन रेगुलर मिलते जा रहा है। लेकिन लोग को हम देखते हैं कि राशन कार्ड बन गया है लेकिन उसका राशन मिल ही नहीं रहा है, कोई दूसरा उठा रहा है, नहीं तो ये तो क्या सर, ये तो इसके लिए सर शिकायत कहाँ पे, ये तो गलत, अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जिनका जो अधिकार है उनको मिलना चाहिए, आपको नहीं मिल रहा है या किन्हीं को नहीं मिल रहा है तो वो इसका शिकायत पहले जहां जो नहीं दे रहे हैं उनसे करें, उसके बाद वो बात नहीं सुनते हैं तो उसे आप जो है सो कि मुखिया के पास जाइए, सरपंच साहब के पास जाइए, इस तरह के ब्लॉक सॉरी गाँव में जो लोग भी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं गाँव के उनके पास जाइए, उनसे भी अगर समाधान, हालांकि वहां तक समाधान आपका निकल जाएगा वहां पर जाने के लिए, वहां भी नहीं अगर समाधान निकलता है तो आप ब्लॉक में जाएं, समाधान निकलेगा जी, और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, आप जब उनका एक्चुअली टाइम होता है कि इस इतना से इतना के बीच में अनाज बांटा जाएगा ठीक है, तो उस समय में आपको जाना होगा, उसी समय में जाना होगा, और उस समय में जाकर आप इस सर ये जो गरीब कल्याण अन्न योजना है प्रधानमंत्री जी का, तो ये लेने के लिए
जब हम रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट अपना भी कोई प्रमाण पत्र सभी ले जाना भी पड़ेगा, पैसा वैसा भी लगेगा सर? कुछ नहीं वैसा कुछ नहीं, आप सीधे आधार कार्ड, सिंपल आधार कार्ड अपना लेके जाइए, उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं। जी सब आपको गांव, आप गांव के हैं, सब लोग आपको पहचानता है, और सबसे बड़ा प्रूफ आपके पास आधार है, आधार कार्ड है, उसमें आपका नाम, आपका पता, आपका उम्र सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, पिताजी का नाम लिखा हुआ है। तो अब उसमें अलग से कोई ये नहीं है कि उसमें कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों या नहीं पढ़े लिखे हों, उससे कोई मतलब नहीं। सर ये योजना के बारे में आप बताएं, हम लोगों को बताएं, तो हम लोग उसको लेने में सक्षम हैं, और इसके लिए सर हम लोगों का आधा समस्या दूर हो गया सर। हाँ। सबसे बड़ा समस्या था वो कि घर का कैसे चलेगा, दाल रोटी चावल दाल कैसे मिलेगा, तो बिल्कुल अब आप टेंशन तो हम लोग को दूर हो गया सर। अब हम लोग अब कुछ नया सोचेंगे, नया काम करने के लिए सोचेंगे, कुछ करेंगे, राशन कार्ड बनवा लेंगे कि हम लोग को भी इसका लाभ मिले। हाँ 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 भैया, तो आप जो है एकदम आप चिंता फिक्र छोड़ दीजिए, आप जो है इस योजना का लाभ उठाइए और बाकी लोगों को भी गाँव में बताइए जो आपके साथ बाहर से आए हैं, ठीक न, और इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा भी उठाना चाहिए, है ना सर? आप बहुत अच्छा अच्छा बात बता रहे हैं सर, हमारे गांव घर के लोग भी सुन रहे हैं, तो सर हम चाहते हैं कि आप हमारे गांव घर के लोगों को एक बहुत अच्छा संदेश दीजिए ताकि वो इस योजना से लाभ उठाएं। हाँ देखिए, इस गांव घर के भाइयों बहनों को हम यही कहना चाहेंगे कि ये योजना भारत सरकार का बहुत ही अच्छा योजना है, बहुत ही भारत सरकार का सराहनीय कदम है, और इस योजना का पूरा से पूरा लाभ हम लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि खासकर जो गरीब परिवार से आते हैं, जो जिनके जिनका नौकरी चली गई या जो लोग का बिजनेस अफेक्टेड हुआ, उनके सामने खाने की समस्या बड़ी विकट हो गई, तो उनके लिए तो कम से कम ये तो राहत है कि खाने की समस्या दूर हो गई, तो वो इस योजना का पूरा से पूरा लाभ ले, और जब तक से उनका एक्टिविटीज जब तक से सही नहीं हो जाता है, जब तक से वो कमाने खाने नहीं लगते हैं, तब तक से इस योजना का लाभ वो ले सकते हैं, या जब तक से सरकार इस योजना को चला रही है तब तक इस योजना का पूरा लाभ ले और अपने घर के समस्या से छुटकारा पाए। सर इतना बढ़िया बढ़िया जानकारी आप हमारे रामू भैया को दिए और हमारे गांव घर के लोगों को दिए, सर इसके लिए आप यहां पर आए और हम लोगों को इतना बढ़िया बढ़िया जानकारी दिए, सर इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई सर हमें और हमारे गांव घर के सभी दर्शकों को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे भाई बहन लोग, आपके मन में हमारे इस कार्यक्रम से संबंधित किसी प्रकार की कोई विचार हो, कोई प्रश्न हो, तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 801। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है director.ddk.patna@gmail.com। हाँ तो रामू भैया पता तो आप लिखवाइए दिए हैं, कहा है ना कि हम लोग को थोड़ा सा लोकगीत भी सुना जाए ना। बिल्कुल हाँ, तो आप इस लोकगीत को देखिए, आनंद लीजिए और हमें हमारी पूरी गांव घर की टीम को दीजिए इजाजत। हम लोग मिलते हैं अगले अंक में कुछ नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। Hey, nine laraka chain choraulau, nine laraka chain choraulau, kelahu bar nuksan ye. Hey, kelahu bar nuksan ye. Aham bujhai chi apan aham ke aham bujhai chi aham ye. Aham bujhai chi apan aham ke aham bujhai chi. नैन लड़ा का चैन छोड़ लूं,
नैन लड़ा को चैन छोड़ौलों के लहू बड़ नुकसान ये हम बुझै छी अपन अहाँ के अहाँ बुझै छी आन ये हम बुझै छी अपन अहाँ के अहाँ बुझै छी आन ये बाट गाछी बिरछी में सदखन बाट निहारै छी हाट बाट गाछी बिरछी में सदखन बाट निहारै छी मुदा अहाँ तो दूरे रही कऽ छोट बुझी दुत्कारै छी मुदा अहाँ तो दूरे रही कऽ छोट बुझी दुत्कारै छी भूल भुलैया में ओझरौलों भूल भुलैया में ओझरौलों केलहुँ बड़ नुकसान ये हे केलहुँ बड़ नुकसान ये हम बुझै छी अपन अहाँ के अहाँ बुझै छी आन ये हम बुझै छी अपन अहाँ के अहाँ बुझै छी आन ये सन अछि देह अहाँ के नव पल्लव संसारी चानन सन अछि देह अहाँ के नव पल्लव संसारी स्वर्ण कमल सन आनन सुन्दर केश मेघ सनकारी स्वर्ण कमल सन आनन सुन्दर केश मेघ सनकारी प्रेम जाल में हम भटकेलों प्रेम जाल में हम भर मेलों केलहुँ बड़ नुकसान ये हम बुझै छी अपन अहाँ के अहाँ बुझै छी आन ये हम बुझै छी अपन अहाँ के अहाँ बुझै छी आन ये देवता के मन मंदिर हमर सुन लगैए बिन देवता के मन मंदिर हमर सुन लगैए अहिक अर्चना योग्य कामिनी हमर मन करैए हमरो घर बनतै इंद्रासन हमरो घर बनतै इंद्रासन जेहने मिथिला धाम ये हम बुझै छी अपन अहाँ के अहाँ बुझै छी आन ये हम बुझै छी अपन अहाँ के अहाँ बुझै छी नैन लड़ा कऽ चैन छोड़ौलहुँ नैन लड़ा कऽ चैन छोड़ौलहुँ केलहुँ बड़ नुकसान ये हम बुझै छी अपन अहाँ के अहाँ बुझै छी आन ये अहाँ बुझै छी आन ये हम बुझै छी अपन अहाँ के अहाँ